बटाला पुलिस को उस समय बड़ी कामयाबी हासिल होती दिखाई दी जब बटाला पुलिस की तरफ से मुखबिर खास की इत्तला पर सरहदी हलका डेरा बाबा नानक के सरहद के नज़दीकी गांव मेगा के खेतों में से 5 किलो हेरोइन बरामद की गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अनुसार हेरोइन की कीमत 25 करोड़ रुपये बताई जा रही है। प्रेस वार्ता के दौरान IG पुलिस सुरिंदर पाल सिंह परमार ने बताया कि खेत के मालिक गुरदेव सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे आगे की पूछताछ की जा रही है कि उसके पास से यह हेरोइन कहां से आई और उसने आगे कहां सप्लाई करनी थी। वहीं उन्होंने बताया कि पकड़े गए गुरदेव सिंह पर पहले से ही असला एक्ट के केस दर्ज हैं। एक ऑन पर्टिकुलर टिप ऑफ डेरा बाबा नानकगिरी दे विच कोई इन्फॉर्मेशन आई सी SSP साहब ते इन्हां दे जिहड़े टीम है मैंबर ने इन्हां दी सुपरविजन दे अंडर एक स्पैशल सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया सी। उहदे विच एक बंदा गुरदेव सिंह पुत्र बलबीर सिंह वासी मेघा उहदी निशानदेही दे उत्ते 5 किलो हैरोइन पकड़ी गई है ते इह टीम इन्वेस्टिगेट कर रही है तां कि इहदे फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेज जिहड़े आ उहनां नूं एक्सप्लोर किया जा सके तां कि इनके फर्दर एक्शन इज मेड आउट एंड विल टेक दैट एक्शन ऑल्सो। किस जगह तो ये उहनां दे खेतां चों पकड़ी गई है जी। उहनां दे जिहड़ा बलबीर सिंह है ना गुरदेव सिंह के खेतों के फादर का नाम बलबीर सिंह है तो हूँ ये टीम विल इनवैसटीगेट कितों आई है किदा आई है क्रॉस द बॉर्डर आई है वट वॉज द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑल दैट हाउ इट इज कम ओवर देयर एंड वेयर इट वॉज सपोज टू गो एंड वट आर द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेज विल प्रूव दैट ऑल्सो। नहीं इस स्टेज के उत्ते हाले नहीं कुछ कह सकते क्योंकि एक किदा आई है वो तो इट इज़ अ मैटर ऑफ इनवैसटिगेशन ओनली क्योंकि जो भी कितने ड्रोन नाल कोई चीज़ आती है बल्कि कॉमन सेंस की गल है कि किसी बार किसी की कनैक्टिविटी हो पर्टिकुलर टाइम पर अगर लैके आता तो मुझे रिसेप्शन पार्टी भी तो खड़ी होगी ना। इस तरह नहीं ना होगा अगर ड्रोन आया तो जितने मर्जी सट गया तो मुड़ के 2-4-5 दिन बाद कोई जोड़ा मर्जी चक के लै आए बिकॉज इट मस्ट हैव बिन मेंट फॉर समबड़ी अमन जनरल तो नहीं हो सकती ना। तो इस करके ये तो एक आर्म्स एक्ट का पहला पर्चा दर्ज है उसे लोकल ही लेकिन इट हैज दिस मैन हैड नथिंग टू डू विद द NDPS एक्ट बिफोर दिस इज़ द फर्स्ट मेजर रिकवरी फ्रॉम हिम ऑन इज एक शाफ जी कहने ऑन इज़।